friends, welcome back to Tanu Created with Love channel and I am your most lovable Tanu. दोस्तों कुछ दिन पहले टीचर्स डे था और टीचर्स डे में वन ऑफ आवर टीचर्स एस्टैब्लिश और डिलीवर्ड वन ब्यूटिफुल सम मोटिवेशनल स्टोरी इन आवर स्कूल एंड आई वॉज रियली रियली सो मोटिवेटेड बाय दैट स्टोरी. सो मैंने सोचा वाई नॉट आई विल शेयर टूवर्ड्स माई फ्रेंड्स दिस स्टोरी. इतना अच्छा लगा मुझे ये स्टोरी, मैं सोचा कि मैं क्यों ना मेरा दोस्तों के बीच में ये स्टोरी थोड़ा मोटिवेट करने के लिए. आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि मुझे अच्छा लगा है, मतलब मेरा दोस्त लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा. सो शुरू किया जाए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मोटिवेशनल स्टोरी. और दोस्तों अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन करना बिल्कुल से मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन मेरे आगे जाके मेरे चैनल को इम्प्रूव करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन रहेगा. तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट मेरा टुडेज मोटिवेशनल स्टोरी. और ये स्टोरी का वो टीचर कोई नाम नहीं दिया था और मैंने नाम दे दिया, स्वर्ग का करेंसी कुछ अलग ही होता है ना, इंटरेस्टिंग सा, स्वर्ग का करेंसी कुछ अलग ही होता है. सो लेट्स स्टार्ट व्हाट आई वांट टू मीन. दोस्तों जो लोग रिच होता है उन लोगों को थोड़ा सा घमंड तो रहता है ना, जो लोग रिच होता है ये थोड़ा सा घमंड रहता है क्योंकि रिच है, अमीर आदमी है तो थोड़ा सा घमंड तो होता ही. ऐसे ही एक रिच आदमी का कहानी आज मैं सुनाने वाली. एक दिन वो रिच आदमी अपना मर्सिडीज कार को लेके अपना काम की तरफ, मतलब अपना जो जॉब प्लेस है मतलब फैक्ट्री की तरफ जा रही थी. बहुत रिच था, मर्सिडीज के अंदर है वो, सुन रही थी वो बैठ के एक ऑडियो सिस्टम में एक महात्मा जी, मतलब एक योगी पुरुष कुछ बता रही थी, वो सुन रही थी. वो बड़ा आदमी, वो योगी पुरुष बोल रही थी, पृथ्वी में कुछ भी चीज़ आप अपने साथ लेके नहीं जा पाओगे. सो जो भी कुछ आपको करना है यहाँ पे करना है, यहाँ पे जो करो अच्छा काम करो और यहाँ से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और खाली हाथ ही आपको ऊपर जाना पड़ेगा. ये सुन के वो सरजी है, हमारा जो रिच पर्सन है उसके दिमाग में आया, अरे यार ये महात्मा जी क्या बोल रही है, मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, करोड़ों का बिजनेस है, मिलियंस ऑफ पैसा मेरे पास है, तो ये पैसा मैं ऐसे ही छोड़ दूँ, हाँ इतना मेहनत से जो मैं कमा रही हूँ. तो वो जाके क्या किया, वो सोचने लगा मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, मैं आगे जाके मेरा ये मेहनत का मतलब मेरा जो ये प्रॉपर्टी इतना सारा पैसा मैं स्वर्ग में जाके ले पाऊँ. तो यहाँ से शुरू हुआ ये सिलसिला, मतलब वो रिच आदमी को पैसा अपने साथ स्वर्ग को लेके जाना था. दिस इज द मतलब शुरुआत है ये कहानी का. जाके वो रिच आदमी क्या किया, अपना मतलब फैक्ट्री में जाके सब अपना जितना वर्कर्स लोग हैं सबको बुलाया, उनके पास 10,000 से ऊपर वर्कर्स काम करती थी. और वो जो रिच धनी आदमी था वो अमीर आदमी क्या बोला, अगर कोई मुझे ये सलाह दे कैसे मैं अपना धन संपत्ति ऊपर में लेके जाऊँ, स्वर्ग में लेके जाऊँ, हेवन में लेके जाऊँ, आई वॉन्ट टू कैरी माई ऑल द प्रॉपर्टीज टू द हेवन, सो दे विल गेट 1 करोड़ रुपया एज एन अवार्ड, मतलब उसको अवार्ड के हिसाब से 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा. ये बोला वो अमीर आदमी. तब सब वर्कर्स लोग सोचने लगे, अरे यार सेठ का तो दिमाग पगला गया शायद, ये क्या बोल रही है, आपने साथ सारा संपत्ति ऊपर में हुई कोई लेके जा सकती है क्या. ये बोल के सेठ जी चला गया और इसका ड्यूरेशन दिया 1 हफ्ता, मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको बोलना है कैसे अपना सारा प्रॉपर्टी ऊपर को लेके जाना है. 1 हफ्ता हो गया कोई भी नहीं आया, मतलब सेठ जी को ऐसे कोई नहीं आया जो बताया कैसे करके अपना सारा के सारा प्रॉपर्टी ऊपर में लेके जाए. सेठ जी तो बहुत ही चिंतित हो गया, अरे यार ऐसे किसी का दिमाग नहीं है जो मुझे बोल पाए अपना प्रॉपर्टी कैसे ऊपर में लेके जाए. तो सेठ जी ने अपना जो इनाम का जो अमाउंट था उसको और बढ़ा दिया. उन्हें क्या बोला, उन्होंने बोला
मैं एक महीने का टाइम दे रही हूँ और उसके अंदर आप लोगों को बोलना पड़ेगा कैसे मैं अपना ये प्रॉपर्टी ऊपर में लेके जा पाऊंगी और इस ये जो सलाह मुझे देगी उसको मिलेगा 5 करोड़ रुपया, एक नहीं अभी 5 हो गया वो। तो ठीक है, सेठ जी तो बोल के चले गए और ये 5 करोड़ रुपया का जो सिलसिला है पूरा शहर में फैल गया। अरे यार 5 करोड़ रुपया, 1-2 रुपया का तो बात नहीं है। तो सब बोलने लगा, अरे ये सेठ जी क्या बोल रही है, एक क्वेश्चन के आंसर के लिए 5 करोड़ रुपया। लेकिन चिंता का तो विषय सही में है। फिर क्या हुआ, सेठ जी एक महीने के बाद लौट के आया और पूछने लगा, किसी के पास सॉल्यूशन है क्या इस क्वेश्चन का आंसर का? सो वन मैन केम, वन स्ट्रेंजर केम एंड ही सेड दैट आई हैव दैट आंसर, मतलब मेरे पास आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो मतलब स्पार्कलिंग हो गया सेठ जी का आंखों में और वो बोला, अरे यार ये तो बहुत ही अच्छा है, कोई तो मिला मेरा क्वेश्चन का आंसर देने वाला। तो क्या किया सेठ जी ने, बोला आइए आइए आइए, आप आइए, आप तुरंत बोलिए और मैं आपको इनाम के हिसाब से 5 करोड़ रुपया अभी के अभी एकदम से दे दूंगी, आप सुना बताइए मुझे। तो वो आदमी क्या बोला, सेठ जी मुझे आपको कुछ पूछना है। तो बोला अच्छा पूछो, कोई बात नहीं, तुम्हारा है, तुम तो आंसर दोगे तो यू कैन। आपने कभी अमेरिका गया है? तो सेठ जी बोले, ये कौन सा बात हुई यार, मैं सेठ हूँ, मैं सारा पृथ्वी घूम चुकी हूँ, अमेरिका कोई खास बात है? हाँ गई हूँ। वहाँ पे जाने के टाइम में आप क्या किया था? तो सेठ जी ने बोला, अरे यार ये तो मामूली सब क्वेश्चन है, वहाँ के जाने से पहले इंडियन करेंसी को अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट कर लिया और मैं चली गई। तो बोला अच्छा ठीक है, आप लंदन गई हो क्या? तो सेठ जी बोला, ये कौन सा बात है यार, यहाँ गई हो वहाँ गई हो, मैं गई हूँ, वहाँ के जाने के पहले आपने क्या किया? अरे वहाँ पे जाने से पहले उसका मतलब इंडियन करेंसी को पाउंड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि वहाँ का करेंसी तो पाउंड है। आपने उससे फिर पूछा, आपने सऊदी अरब गया हो, मतलब दुबई गई हो? बोला हाँ। वहाँ पे भी क्या किया? बोला वही सेम करेंसी को कन्वर्ट करके वहाँ पे चले गई। तो बोला हाँ, तो तुम ये बात, सेठ जी को बहुत गुस्सा आ गया, बोला तुम ये बात क्यों मुझे बार बार पूछते जा रही हो, ये कौन सा तरीका हुआ? मैंने आपको आंसर मांगा, आप मुझे क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन। हाँ हाँ सेठ जी, फिर थोड़ा सा धीरज रखिए, आप सुनिए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आप जो बोल रही थी ना, आपका सारा प्रॉपर्टी स्वर्ग में लेके जाएंगे, स्वर्ग का करेंसी कुछ तो और है सेठ जी। तो सेठ जी ने बोला, स्वर्ग का करेंसी? स्वर्ग का करेंसी क्या होता है? तो बोला, आपको तो वही पता नहीं, स्वर्ग का करेंसी है पुण्य। स्वर्ग का करेंसी क्या है दोस्तों? स्वर्ग का करेंसी है पुण्य। तो आप पुण्य कमाया क्या? तो आप जितना पुण्य कमाओगे वो आपको कन्वर्ट करके स्वर्ग में लेके जाना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ से, यही मैं बोलना चाहती थी, ये दोनों हाथ से आप मेहनत से आप जितना दान धान पुण्य और जितना कुछ मतलब अर्निंग करोगे, जितना दान धान करोगे, जितना नए मतलब साफ सुथरा मतलब सही तरीके से आप अर्निंग करोगे, वही जाके आपको स्वर्ग में पुण्य के हिसाब से आपको कन्वर्टेड हो जाएगा। समझ में आया ना आपको क्या चीज लेने जाने? तो दोस्तों स्वर्ग का करेंसी क्या है? पुण्य। तो आप लोग कुछ लेके जा पाओगे क्या? सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कमाना है? पुण्य। और उसको कन्वर्ट करके जल्दी से आप लोगों को जब स्वर्ग में जाना है, सबको वहां पे वो पुण्य का फल मिल जाएगा। तब जाके सेठ जी को समझ में आया महात्मा जी ने क्या कहना चाहा, और ये स्ट्रेंजर भी मतलब सेठ जी को क्या कहना। सेठ जी ने बहुत तालियां मारा और उसका आंखें खोल गया, वो क्या बोलना चाहती थी इस बारे में। फिर जाके वो मतलब जो स्ट्रेंजर है उसको तो 5 करोड़ रुपया मिल गया अपने हिसाब से, और सेठ जी को भी क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। तो दोस्तों ये मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा? मतलब स्वर्ग का करेंसी होता है पुण्य, आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ मेरी तरह आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पे खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा,
जितना भी कोशिश करो, यू कान टेक नॉट अ सिंगल पैसा ऑल्सो फ्रॉम हेयर टू देयर. आपका वहाँ पर सर का करेंसी अलग होता है, वहाँ पे कुछ नहीं चलता है यार, वहाँ पे कुछ कन्वर्ट नहीं होता है, सिर्फ कन्वर्शन होता है. तो पुण्य, तो दोस्तों पुण्य कमाओ, अच्छा रहो, पॉजिटिव रहो, ऑनेस्ट रहो, और आपने अपना काम की तरफ ध्यान दो तो अपने आप ही आपको पुण्य मिल जाएगा. तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो ढेर सारा लाइक का बरसात कर देना यार, और प्लीज़ दोस्तों वीडियो पूरा देख के फिर लाइक करना और कमेंट करना. वीडियो आधा अधूरा देख के लाइक कमेंट मत करना, क्योंकि ये वीडियो ऐसे इंटरेस्टिंग बहुत है, बहुत अच्छा लगा, ऐसे है ऐसे. आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी ऐसे इंटरेस्टिंग का स्टोरी बोलने भी अच्छा नहीं लगेगा. सो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय टाटा, पुण्य कमाओ, अच्छा रहो, बी पॉजिटिव एंड बी ब्लेस्ड ऑलवेज. बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड लव यू ऑल.